हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे INR डील्स के ऊपर में आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसका किस तरह से प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप INR का एक एफिलिएट प्रोग्राम आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या फिर ईबे, मीशो, जिनका भी प्रोडक्ट है, ये लोग आपके वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। ये लोग बेसिकली आपको एक कोड देते हैं और आप एक सिंगल लाइन कोड को यूज करके अपनी वेबसाइट को जो है ना, पूरा ई कॉमर्स का वेबसाइट आप बना सकते हैं। और आपके वेबसाइट के माध्यम से अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होता है तो उसका इंसेंटिव आपको ये INR डील्स देता है। अगर आपका अमेज़ोन का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होता है तो वो अमेज़ोन वाले आपका प्रोडक्ट आपका वो अमेज़ोन जो है वो आपको इंसेंटिव देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका आपके पास मस्ट ज़रूरी है कि आपके पास एक अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट का आईडी पासवर्ड या फिर उनका स्टोर आईडी आपके पास होना चाहिए। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इस पे जो है INR डील्स के वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। किसी भी तरह से वो साइन अप करता है और साइन अप करने के बाद उसका यहाँ पे अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। अकाउंट रिजेक्ट होने का क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से आप इस अकाउंट को यहाँ पे बना सकते हैं जिससे कि आपका अकाउंट यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। आप क्या क्या चीज़ को यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो वैसे आप अगर देखेंगे तो इस पे किस तरह से प्रोडक्ट इसका यहाँ पे सेल करना है, उस पे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, जो कि आपको नीचे में आपको ई कॉमर्स नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके अंदर में आपको सारी वीडियोस हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने INR डील्स पे एक अकाउंट यहाँ पे सेटअप करेंगे और किस तरह से हम सेटअप करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे INR डील्स के वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट को यहाँ पे लोड करेंगे और लोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेट अप टू 100% कैशबैक एट दिस ओवर 1000 टॉप स्टोरीज, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए आप यहाँ पे फेसबुक या फिर गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ से भी साइन अप पे जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको साइन अप और लॉगिन का आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से साइन अप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे इनके साइन अप वाले पेज पे। यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शंस दिखेगा, आई एम शॉपर या फिर IM पब्लिशर या फिर IM एडवर्टाइजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, IM पब्लिशर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ना कि आपको एडवर्टाइजर पे या ना तो शॉपर पे। यहाँ पे आपको पब्लिशर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो पब्लिशर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि नाम, वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप एनी लिख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पहले आप एक अपना वेबसाइट यहाँ पे सेटअप कर लें, देन उसके बाद इस अकाउंट को यहाँ पे आप सेटअप करें, क्योंकि मोस्टली केस में देखा गया कि यहाँ पर जो है आपका जो ये अकाउंट रिजेक्ट होता है इसी वजह से होता है। आप यहाँ पे एक वेबसाइट ब्लॉगर के अंदर में यहाँ पे अपना एक वेबसाइट सेटअप कर लें और वहाँ पे एक कस्टम डोमेन का यूज कर लें, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना आपको किस तरह से ब्लॉगर पे वेबसाइट सेटअप किया जाता है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लिंक डालने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम में आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट इस चीज़ को हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करने के बाद आगे का हम देखते हैं। अगर आप किसी भी प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो वो प्रोमो कोड आपको किस तरह से यूज करना है और प्रोमो कोड आपको मिलेगा कहाँ से, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, राइट।
यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई प्रोमो कोड पे। तो यहाँ पे आपको इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा और इसका जो प्रोमो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का यहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम उस प्रोमो कोड को यहाँ पे हम डाल दिए हैं और इसी कोड का आप भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इस कोड को ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो उस कोड को आप वहाँ से ले सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है आयाना डील के अंदर में यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा और उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे कस्टमर का OTP यहाँ पे आ चुका है तो इस OTP को यहाँ पे हम फिल करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने उस प्रोमो कोड को यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का यहाँ पे इंसेंटिव यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, आप इस तरह से यहाँ पे INR डील्स के अंदर में अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब अकाउंट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको अमेज़ोन के अकाउंट से यहाँ पे इसको लिंक भी करना रहता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा लिंक अमेज़ोन एफिलिएट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमेज़ोन का स्टोर आईडी डालना पड़ेगा। तो आप अमेज़ोन के एफिलिएट को जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऊपर में ही आपको अमेज़ोन का स्टोर आईडी आपको दिख जाएगा। इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कीजिए स्टोर आईडी को और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड स्टोर आईडी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिलिएट आईडी एडेड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से यहाँ पे INR डील्स के अंदर में एक सक्सेसफुली यहाँ पे आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनका प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन सिंगल वन कोड या फिर वन लाइन कोड का यूज करके, और वो कोड का आपको कहाँ पर डालना है, किस तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।